हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि ये जो स्कूटर है इसकी टेस्टिंग कंपनी जो है किस तरह से क्लेम कर रही थी। दोस्तों, सेम स्कूटर आपके सामने ये फ्रेम में आप देख रहे हो, यह है बैटरी का स्टोरी इलेक्ट्रिक स्कूटर और आज का वीडियो इसी स्कूटर पर होने वाला है। दोस्तों, बाकी अब बात करते हैं इसके डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन की। ये वीडियो आपके लिए डायमेंशन और इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो स्पीड इसमें आपको कंपनी की तरफ से 65 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड मिल जाती है, मैक्सिमम 65 किलोमीटर की। और बाकी माइलेज की बात करें तो माइलेज 132 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों इसमें। और एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये स्कूटर आपको सेगमेंट में पहला है जो कि मेटल बॉडी के साथ आ रहा है भाई। जी हाँ दोस्तों, और मेटल बॉडी के साथ और एक 5 इंच की आपको इसमें स्मार्ट TFT डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि आपके फोन में कनेक्टिविटी के लिए भी एबल है। दोस्तों, वो कैसे, इसमें एक बैटरी कंपनी का अपना एप्लीकेशन है जिसे आप कनेक्ट करके इसकी लोकेशंस को और भी बहुत ज्यादा और भी कुछ एक फीचर्स हैं जो आप उसमें इनेबल कर सकते हो। दोस्तों, तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं स्कूटर की और स्कूटर की डिटेल्स की। तो आपको डिटेल्स दे देता हूँ क्या इसमें डिटेल्स मिल रही है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ऊपर एक इसके जो साइड मिरर्स हैं वो RVMs है, वो मिसिंग मिलेंगे, वो आपको सेपरेटली मिल जाते हैं। दोस्तों, आप उन्हें अटैच भी कर सकते हो, जिनकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, ये आपको प्लास्टिक बॉडी में मिलेगा, आपको ये जो पैनल देख रहे हो सामने, और ये कुछ ऐसा इसका लुक मिल जाता है सामने से, कुछ ऐसा सिंपल सा। और इसमें आप हेडलाइट्स देख रहे हो, बिल्कुल राउंड और सिंपल लुक के साथ आ रही है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आती है। और इसके ठीक नीचे आप देखते हो यहाँ पर लाइसेंस प्लेट की माउंटिंग्स मिल जाती हैं और इसके जस्ट नीचे आपको आरी की बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों, और यहाँ से असली खेल शुरू होता है भाई। असली खेल मतलब ये आपको पूरा मेटल बॉडी के साथ ही आता है। दोस्तों, ये ही नहीं, साथ में आप जो इसका मडगार्ड देख रहे हो ये भी आपको मेटल बॉडी के साथ ही आता है। और बात करते हैं इसके अदर डिटेल्स की, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसके इंडिकेटर्स की प्लेसिंग है और ये रेड कलर के बल्ब के इंडिकेटर्स के साथ आता है। और इस तरफ आप देखते हो तो कुछ इस तरह की आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों, ये कुछ अलग से इसमें एक डिजाइन और एलिमेंट मिल जाते हैं। और एक साइड क्लैडिंग आप देख रहे हो, कुछ ऐसी साइड क्लैडिंग मिल जाती है। ये साइड क्लैडिंग मैंने बहुत टाइम पहले भी देख रखी है, लाइक वेस्पा स्कूटर में देख रखी है। चलिए, वो बात अलग है। बाकी बात करते हैं इसके, थोड़ा नीचे आते हैं तो देखते हैं आपको यहाँ पर एक इस तरह का मडगार्ड मिल जाता है जो कि स्टील का ही मिलेगा। दोस्तों, आपको स्टील बॉडी का ही मिलेगा। और इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिनकी प्लेसिंग कुछ इस तरह मिल जाती है आपको। और उसके बाद नीचे देखते हैं तो कोई ये कुछ रिफ्लेक्टर मिल जाता है और आपको इसमें कॉम्बी ब्रेक मिल जाती है। दोस्तों, बाकी बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर्स इसमें आपको 10 इंच का टायर्स मिल जाता है, सीएट का टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर। और इस तरफ से आप देखते हो तो इसमें आपको किसी प्रकार के अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, आपको सिंपल व्हील रिम्स ही मिलते हैं और कुछ ऐसी इनकी लुक्स आती है इनकी। बाकी बात करते हैं इसकी अदर डिटेल्स की। साइड से देखते हो तो साइड में आपको देखने में स्कूटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मतलब एक सिंपल सोबर सा स्कूटर है, बहुत इसमें तामझाम नहीं है, मगर आपकी नीड के लिए बहुत बेस्ट है। दोस्तों, बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको स्टील बॉडी के साथ, यहाँ भी आपको स्टील बॉडी ही मिल रही है। ये पूरा का पूरा पैनल जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पैनल आपको स्टील का ही मिलेगा, सिर्फ एक हैंडल के ऊपर जो कवर है इसको छोड़कर। दोस्तों, बाकी बात करते हैं साइड लुक से, आप देखते हो तो कुछ यहाँ पर आपको इसका सबसे पहले तो नजर आती है इस कवर पर, जो कि सिंपल सा आपको एक कवर मिल जाता है जिसके ऊपर कोई बैजिंग नहीं है और ये आपको मैट फिनिश के साथ ही मिलता है। दोस्तों, और ये आपको इसके पिलियन राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाते हैं और ये आपको दोनों तरफ ही मिलते हैं सेम इसी तरह के। बाकी यहाँ पर भी आप चाहो तो वो पैर रख सकते हैं, ये भी आपको प्लेस दी जाती है। और डबल स्टैंड इसके साथ फिक्स है जो कि आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से। और ठीक यहाँ पर आपको एक स्टोरी की बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों, लोगो बहुत प्यारा है यार इसका, बाकी ये नया कंसेप्ट है और लोगो भी बहुत प्यारा है इसका। और कुछ ऐसा इसका इंडिकेटर है साइड में जो आपको साइड से भी नजर आ जाता है बड़े आराम से। दोस्तों, और सीट की बात करो तो सीट आपको सिंगल पीस ही मिलेगी, काफी वाइड और लेंथी सीट है। तो भाई, एक और सबसे अहम चीज जो मैं आपको इसमें और अपडेट कर दूं, नीचे से आप देख रहे हो आपको कितना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है भाई, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी दे रही है। नीचे 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इस स्कूटर के लिहाज के और आपकी डेली नीड को देखते हुए। बाकी बात करते हैं इसके बैक साइड में, तो बैक में आप देखते हो टायर्स तो सेम प्रोफाइल के आपको टायर्स मिल जाते हैं और मोटर मिल जाती है। मोटर जो कि 2 किलोवाट की मोटर के साथ, 2 किलोवाट की मोटर आपको इसमें
हब मोटर मिल जाती है और कुछ ऐसा इसकी सेटअप मिल जाता है सस्पेंशन का, स्प्रिंग वाले सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं और सिंपल सा ही आपको इसमें मोटर का सेटअप और व्हील का डिजाइन मिल जाता है दोस्तों। बाकी बात करते हैं इसके रियर में, तो रियर में सबसे पहले आपकी नज़र इस पर जारी होगी जो इसके ऊपर जो ये गार्ड लगा है कुछ ऐसा, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी स्टडी बना रहा है दोस्तों, मतलब काफ़ी हैवी लुक दे रहा है इस स्कूटर को। और बाकी बात करते हैं इसके बाद नीचे आप देखिए टेल लाइट, तो टेल लाइट में आपको ये छोटे छोटे एलईडी के लाइट्स नजर आ रहे होंगे दोस्तों, और ये एलईडी लाइट के साथ आता है और यहाँ क्रोम फिनिश का आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। और इसके बाद आप इंडिकेटर देख रहे होंगे, यहाँ पर दो इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। भाई एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, इनकम्प्लीट किस लिए लग रहा है कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई अभी तक बॉडी की एक किट आती है वो नहीं दी गई है, वो किट आपको एडिशनल लेनी पड़ेगी, 1500 से 1700 2000 रुपए तक के अप्रॉक्स मिल जाती है, वो किट आपको शोरूम से ही मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं ठीक इसके पैनल के नीचे, स्टील बॉडी के पैनल के नीचे, तो यहाँ पर आप देखते हो लाइसेंस प्लेट की माउंटिंग्स मिल जाती है और ये मैट फिनिश के साथ आपको छोटा सा मडगार्ड मिल जाता है दोस्तों। जो आप रियर में मडगार्ड देख रहे हो ना, काफ़ी लेंथ में बहुत छोटा है, मगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली इससे। बाकी बात करते हैं इसे दूसरी साइड से लुक्स की, तो दूसरी साइड से आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार का लुक्स आपको मिलता है दोस्तों, कुछ ऐसा लुक्स देता है स्कूटर। और सबसे प्यारी चीज़ जो आपको जाएगी इस तरफ, जो कि की की प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको की मिल जाती है, की लॉक मिल जाता है, और ये आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको स्टोरी की बैजिंग मिल जाती है। बाकी सिंपल सा ही कवर आपको इस तरफ भी मिल जाता है जो आप देख रहे हो ये वाला, और डबल स्टैंड, और ये साइड स्टैंड है दोस्तों। बाकी बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, या फिर बूट स्पेस की बात करूं तो मैं आपको बूट स्पेस वगैरह खोल के दिखा देता हूं इसका। तो भाई बूट स्पेस के लिए सबसे पहले आपको की को लेकर कुछ ऐसे इसको अनलॉक करना होगा, और भाई ये कुछ ऐसा आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। भाई बूट स्पेस आपको इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म ही मिलेगा, ख़त्म तो नहीं कहेंगे चलो, बट फिर भी आपको कुछ बूट स्पेस मिल जाएगा, जितना भी मिल रहा है कंपनी ने उसे मैनेज जरूर किया है दोस्तों। ये देखो मतलब यहाँ पर आपको इसकी बैटरी की प्लेसिंग मिल जाती है, और बैटरी में सबसे पहले आप टर्मिनल देखते हो कुछ इस प्रकार से हैवी टर्मिनलों की प्लेसिंग की गई है, और कुछ ऐसा इसमें क्लैंप दिया गया है जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और कुछ ऐसा इसमें स्पेस आप देख रहे हो, अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल रहा है यार, मतलब आप इसमें चाहो तो ये इसका पोर्टेबल चार्जर वगैरह या फिर इसके टूल किट और इसमें जो साइड मिरर हैं वो आप आराम से देख रहे हो कि इसमें रखे जा सकते हैं भाई। बाकी इसके बाद बात करते हैं इसके ये स्विच की, ये आपको मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूँ, ये इसका सेफ्टी स्विच है, आप इसे ऑफ करके कहीं भी पार्किंग पर प्लेस करके पार्क करके जा सकते हो दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं इस सीट की, तो ये आपको प्लास्टिक में ही मिलेगी एज यूजुअल जो अभी तक चलती आ रही है, और कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा सीट का। बाकी बंद करते हैं इसे भी, अब आपको दिखाते हैं इसका कंट्रोल पैनल। और भाई एक और चीज़ मैं आपको इसमें अपडेट कर दूं कि इसमें जो आपने एमसीबी देखा है, जब भी अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है तो एमसीबी का ये जो नेचर है वो अपने आप काम कर जाता है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है दोस्तों, मतलब वो अदर सप्लाईज को बंद कर देता है। बाकी बात करते हैं इसके और स्टोरेज की, तो आप देखते हो कुछ यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरेज मिल जाती है जिसमें आप एक पानी की बॉटल बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का ढक्कन मतलब चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर चार्जिंग लगा के आप अपना मोबाइल वगैरह भी यहाँ पर ही रख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाती है, और इसके नीचे यहाँ पर कुछ ऐसा आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है दोस्तों, कुछ यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है ऐसा। और बाकी बात करते हैं इसके ड्राइव कंट्रोल्स की, तो सबसे पहले मैं इसे अनलॉक करता हूँ, ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा ऑन होता है ये सिंपल सा। तो दोस्तों ये भी हो चुका है ऑन, अभी ये पार्किंग मोड में है दोस्तों, अभी आप देख रहे हो ये स्कूटर आपको पी मोड में नजर आ रहा होगा, भाई पी मोड में है, अगर आप इसे चलाना चाहोगे तो अभी ये एक्सीलेटर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके ब्रेक अप्लाई करते हो उसके बाद ये देखते हो ये रेडी हो जाता है चलने के लिए। बाकी ये आप जो बटन देख रहे हो इससे भी आप चाहो तो इसे पार्किंग मोड से हटा सकते हो और पार्किंग मोड पर लगा सकते हो दोस्तों। ये देखो अभी ये फिर से ड्राइव मोड में आ गया है। बाकी ये आपको इसमें कुछ
बैटरी की कंजप्शन दिखा देगा, बैटरी की आपकी परसेंटेज दिखा देगा, और इसमें नीचे आप छोटा सा रेंज लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको स्पीड और ये आपको ऑडोमीटर और ये ट्रिप की जानकारी देता रहेगा दोस्तों। बाकी ये जो स्कैनर आप देख रहे हो, इसे स्कैन करके आप इसकी लोकेशंस को ट्रेस कर सकते हो दोस्तों, कि एक वीक दो वीक या कितने भी टाइम पहले मेरा स्कूटर कहाँ कहाँ पर किस किस टाइम पर खड़ा था दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके अदर कंट्रोल्स की। तो इस तरफ आप देखते हो तो हेडलाइट्स के इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और बाकी ये आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है, ये इंडिकेटर के बटन हैं, और कुछ ऐसा इसमें हॉर्न का सेटअप मिल जाता है। बाकी हेडलाइट के ये कंट्रोल्स हैं, सॉरी ये आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और एक और मैं आपको इसमें बता दूं, ये वाला बटन आप देख रहे हो, ये है मोड्स का बटन है दोस्तों। ये मतलब इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, तीन मोड्स मिल जाते हैं दोस्तों। अब ये दूसरे मोड में है, और अभी जैसे आप इसको शिफ्ट करते हो तो तीसरे मोड में आ जाती है, और इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है दोस्तों। अगर दूसरे मोड में रखेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाता है, और अगर पहले मोड में रखते हैं तो हल्का सा ग्रीन कलर में ये रहेगा दोस्तों। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से मोड में चला रहे हो इसे। बाकी बात करते हैं इसमें, ये बटन जो आप देख रहे हो ये है रिवर्स का मोड, इसे दबा के आप इसमें रिवर्स में देख सकते हो दोस्तों। अब देखो मैं इसे दबाता हूँ और एक्सेलरेट करता हूँ, और ये देखो आप स्कूटर जो है रिवर्स मोड में चल रहा है दोस्तों। कुछ ऐसा इसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की स्पीड आपको देगा रिवर्स मोड में दोस्तों। तो भाई अभी जैसा अभी स्कूटर स्टैंड पे लगाया, तो मैं आपको इसको टॉप स्पीड दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम टॉप स्पीड हमें क्या देता है। तो 73 ओके 79 तक भाई मीटर पे दिखा रहा है विदाउट एनी लोड, और वो भी मैंने फुल थ्रोट किया, फुल थ्रोटल दिया हुआ है इसे, और तीसरे मोड में 79 तक जा रहा है बिना आपके राइडिंग के, अभी डबल स्टैंड पे ही। बाकी अगर रोड पे बात करें तो रोड पे कंपनी क्लेम करती है 65 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम स्पीड क्लेम करती है दोस्तों। तो भाई ये था हमारा आज का इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आरई कंपनी का है, आरई कहूँ या बैटरी कहूँ, चलो थोड़ा नाम का थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन रहता है इसका। आरई कंपनी का स्टोरी स्कूटर है, जो कि बहुत ही प्यारा स्कूटर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एज कम्पेयर टू प्राइसिंग दोस्तों, कि इसकी प्राइसिंग जो है 89,600 रुपीज़ है एक्स शोरूम प्राइस। बाकी आरटीओ चार्जेस एज पर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। और बाकी चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके अपनी क्वेरीज जरूर बता देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, ताकि मैं आगे ऐसी और वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।